गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैडी मनु ब्लॉगिंग चैनल सारे अंदर वेलकम है। और गाइस अगर चैनल नू सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लियो और वीडियो नू लाइक शेयर करना ना भूलियो। और रात का टाइम है और आज मैं रात नू की बनाने जा रही हूं ओदे लिए वीडियो फुल वॉच कर दे रहे हो देख दे रहे हो कि आज मैं की बनाने जा रही हूं। और इत्थे मैं ना कड़ी पत्ते नू ना ब्रिक भी कट लिया है। मैं इहदा लीफ नहीं पाती, लीफ दी ना मैं कटिंग कर लेनी हां क्योंकि कड़ी पत्ता खाना ना बहुत अच्छा होंदा साढ़े लिए। कड़ी पत्ते नूं एक हिसाब नाल आपां पंजाबी च मिठी नीम भी बोलते हैं, मिठी नीम। तो कड़ी पत्ता मिर्ची नूं मैं कट लिया है। तो हुण मैं आलू एकदम बरीक कट रही हूँ कि ता जो आसानी ना बन जाए क्योंकि रात का टाइम है और गर्मी भी है, गर्मी में कुछ खाने का मन नहीं करता। तो अज मैं जशनप्रीत की डिमांड पर कुछ बना रही हूँ, बहुत ही आसानी ना बनने वाला, ईजी है, बस सिंपल जहा काम करने वाली अच्छ मैं। तो मैं इस तो पहला स्टिचिंग कर दी सी, तो स्टिचिंग करन तो बाद फिर हम मैं बना रही हूँ रोटी। और बाहर ना बहुत सोहनी हवा चल रही है तो जशन ने बोला नहीं मम्मा तुसी पहले ना रोटी बना लो फिर असी वॉक कर दिया। तो हूँ मैं ना टमाटर नू ना छिल रही हूँ। और तुसी सोच रहे हैं कि टमाटर क्यों छिल रही हैं, क्योंकि जो टमाटर है यह जल्दी ना गलता नहीं है तो इस दे नाल ना पत्थरी होने का भी डर होता है, इस करके मैं टमाटर का छिलका पहले पाती हूँ तुसी। बट हुण ज़्यादा एक दो जने ने वो देखे पत्थरी हो जाती है, ज़्यादा मेन टमाटर नू ही मना करते हैं, इसलिए मैं टमाटर का छिलका उतार के टमाटर यूज़ करती हूँ। और गाइस जो टमाटर है ना साढ़े किचन गार्डन के ने, तो किचन गार्डन में कोई भी सब्जी लगी है भावें एक मिर्च भी लगी है वो ही इदा लगता है साढ़े किचन गार्डन की है। तो हूँ वैसे थोड़ी सब्जी भी कट गई है क्योंकि बरसात का मौसम आ तो ज़्यादा सब्जी नहीं हो रही। टमाटर बाहरों तो बहुत लाल लाल दिख रहे हैं, अंदरों इन्ना लाल नहीं है। तो देखो मैं जिदा कड़ी पत्ता मिर्ची टमाटर आलू में मैं कट कर लिया। तो हूँ मैं कट लेना है लंबाई में प्याज। और मैनू इदा बहुत जल्दी है, मैंने इदा लग रहा कि मैं जल्दी जल्दी डिनर रेडी करके तो फिर मैं जावा बाहर हवा में। और मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट में भी मैं वीडियो नहीं बना पाती, डिनर में भी नहीं बना, लंच में भी नहीं बना पाती, गर्मी होने टाइम भी नहीं लगता। तो रात में इदा होंगे कि सिलाई भी हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं, थोड़े बहुत रह जाते हैं, तो फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई, बहुत बरसात आ जाती है, उस तो बाद जो गर्मी होती है। आहो चलो सूजी, सूजी ने ना सब तो पहले मैं चुग लाँगी कि बिच कोई सुंडी ना हो, कीड़ा ना हो। और पैन लिया है, पैन में ना सूजी नू ना हल्का जहा भुन लेना है। सूजी ने इस तरह हिलाते रहना है। और कढ़ाई च मैं तेल पा लिया है और तेल मैं राई का ही वरतती हूँ। और राजवीर भी मेरी हेल्प करा रहे हैं। हल्का ब्राउन होने तक ना कर लेना है। सूजी ने मैं चुग लिया सी, देख लिया सी कुछ नहीं सी, साफ सी भी। और कटिंग किते कपड़े इन्होंने साइड कर देंगे क्योंकि रात के टाइम झाड़ू नहीं लगाता, इसलिए राजवीर तू सूजी नू ना इस तरह बस देखी जा मैं इधर कर ला तड़का लगा ला। और जिस तरह की गाइस तेल गर्म हो गया है तो फिर पा देनी है राई। और ये ना राई पई हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो प्याज के बीच मैं ना नाल ही पा देने कड़ी पत्ता। और प्याज को ना हल्का ब्राउन होने तो आप कर लेने, देखो कि एक एक प्याज अलग हो गया, बस फ्राई हो गए। मैं
हल्का मीडियम ते रखा हुआ है ता करके जल्दी नहीं सूजी हो रही क्योंकि नहीं तो जल जानी थी। इसा अच्छी तरह भुजती रहेगी और पंजाब च कुछ हिस्सों में जिस तरह अपना तो इधर इलाका ठीक है बट पंजाब में बहुत ही बाढ़ आई हुई है और सरहंद पटियाला बठिंडा इधर बहुत नुकसान है लोगों के घर के अंदर पानी चला गया है। प्याज गोल्डन हो गया तो हम असी पा देना है आलू और टमाटर आराम ना कट जाए राजी और इन कवर करके रखिए पका लेना है तो गैस को कर देना आप स्लो और दही भी रखे सूजी ने असी भुन लिया एदा हजे काम हैगा है आलू अजे कच्चे है अभी आलू सॉफ्ट हो गया बाकी प्याज वगैरह तो सब ठीक थे बस आलू का ही था। तो अभी इसमें ना ड्राई मसाले डाल देने हैं नमक नमक जैसे जो सेंधा है तो ज़्यादा डलता है और गाय सेंधा नमक ही खाया करें वो भी बहुत अच्छा हमारी सेहत के लिए। और थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली है थोड़ी सी हल्दी डाली है और थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर ज़्यादा मसाले नहीं मैं डालती बस इतने से। तो अभी इसमें हमने डाल देना है दही दही में क्यों डाल रही हूँ खटास के लिए क्योंकि लेमन नहीं है आमचूर भी नहीं है खटास के लिए कुछ आज मैं दही डाल के बना रही हूँ जस्ट ट्राई कर रही थी कैसा बनता है वैसे मैंने पहले कभी मैं बनाया नहीं है दही पाके और आज मैं फर्स्ट टाइम दही डाल के बना रही हूँ। हूँ अब पका देती है सूजी होने दे पा देना सी पानी अच्छी तरह भुन जाए तो इसको इन्हों मैं अच्छी तरह भुन लिया हम पा देना है पानी पानी चेक कर लेना है क्योंकि सूजी जो है मर्जी फुल जाती है बाद में तो थोड़ा होर पानी लगेगा ता जो अच्छी तरह पक जाए बल्कि जिस तरह थोड़ा घट सी पैन सूजी का तो मैं फुल पैन पाया पानी का थोड़ा टाइम इन ना कवर कर देना है तो थोड़े टाइम लिए फिर इन चेक करते रहना पूरा पाना नहीं है कवर करके बाकी जो दही है रख लेना दही बहुत खट्टी है और ये दी मैं सोच रही है कल कढ़ी बना ला बस हूँ इस तरह इन्होंने खिलाते रहना है कि लम्स ना आ जाए और बस अच्छी तरह खुशबू बहुत मस्त आ रही है तो मैंने इदा लग रहा है कि उपमा अज बहुत मज़ेदार बनने वाला है सिस्टर और उपमा बना ली जो मोटी वाली सूजी होंगी ना वो लैनी आप और
गाइस मैं एक गल देना चाहती हाँ कि जिस तरह पानी विच कितना नुकसान हो गया सब का, बहुत ही ज़्यादा। कई घर के घर रुड़ गए, कई जीव जंतु मर गए, कई खुद पानी विच रुड़ गए, इंसान भी और कुछ कुछ मर भी गए, है ना, डेथ हो गई। तो मैं एक ही गल कहना चाहूँगी कि अगर जिस तरह अपनी गलती होए या ना होए या कुछ भी होवे, सानू हमेशा सॉरी बोल के अपनी लाइफ से अगे बढ़ना चाहिए। और हम मैं गैस बंद कर दिनी हाँ, तो मैं कवर कर दिनी हाँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो फिर असी खाओगे। क्योंकि तो जो असी अपनी गलती मन के अगे बढ़ जाने शायद साड़ी ओदे च भलाई हो, वाहेगुरू साडा भला ही करे। इसलिए सानू हमेशा सारे नाल मिलजुल के रहना चाहिए, किसी ने अपनी कोई नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। पता नहीं कदों असी किन्नी को साड़ी लिखी है, जो सामने वाले की किन्नी की लिखी है। और बाहर जाने का बहुत मन है, बस हम बच्चों को रोटी देनी है, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है।